गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 सीबीएसई की एक्सरसाइज 6.3 के बाकी क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में नहीं हो पाए थे उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन 4 तक आपका हम करवा दिए थे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको जो है स्क्वायर रूट करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेंड। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं आपको, इस करा कि ये जो नंबर दिया गया है इसमें और किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये जो नंबर है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर उस नंबर का हमको क्या करना है, उसका भी स्क्वायर रूट करना है। तो देखिए जैसे 252 लिखा गया है तो हम पहले इसका क्या करेंगे, पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12, ठीक है। फिर इसको बाद 2 से करिए, देखिए 2 6 जा 12 2 3 जा 6, अब उसके बाद 3 से होगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3, अब फिर ये 3 से होगा 3 7 जा 21 और ये हो गया 7 7 1 जा 7। तो देखिए जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 into 2 into 3 into 3 into 7 आया, 2 into 2, फिर उसके बाद into 3 into 3 into 7, ठीक है। तो देखिए आप इस नंबर को ध्यान से देखिए, जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसमें देखिए पेयर 2 का तो बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है, तो सेवन का पेयर यहाँ पे, मतलब इसका अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो वहाँ पे 1 7 और into 1 7 और होता, तब ये नंबर जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये जो नंबर है 7 यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 252 एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो 252 है नंबर है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, स्मॉलेस्ट जो नंबर कह रहा था ना स्मॉलेस्ट नंबर वो आपका आ गया 7 हो गया, जिससे मल्टीप्लाई करने पे 252 एक कंप्लीट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ गया 252, तो जो नंबर होगा सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, नंबर क्या हो जाएगा 252 में जिसका पेयर 252 में जिसका पेयर नहीं बना है, 7 का पेयर नहीं बना ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 7 जा 14 को 4 1 कैरी, 7 2 जा 14 को 4 1 कैरी, 7 5 जा 35, 35 1 ऐड कर लीजिए तो 36 हो गया। अब कैरी कितना हुआ 3, 7 2 जा 14, अब 14 में 3 ऐड कर देंगे तो 17। तो नंबर आपका एक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया 1764। अब हम जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1764 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यही नंबर आएगा और इसमें 1 7 और आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 into 3 into 7, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 3 जा 6 6 7 जा 42, ठीक है। तो इसका जो है ये नंबर आपका आया 1700, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 1764 आया और जब हम उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 यही आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए। 1764 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 6 जा 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
टू फोर जा एट, टू वन जा टू, ठीक है। अब ये देखिए तो ये हो जाएगा फोर, फोर एट और नाइन, इसका मतलब ये थ्री से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? थ्री से। कैसे चेक किए? देखिए जब थ्री की डिविजिबिलिटी चेक करना होता है तो इन जो डिजिट है इसको ऐड कर लेते हैं। फोर प्लस फोर कितना हो गया? एट, एट में वन ऐड कर दिए नाइन। अब नाइन जो है थ्री की डिविजिबिलिटी होती है, तो थ्री वन जा थ्री, फिर उसके बाद अब यहाँ से वन कैरी इसमें से घटेगा तो फोर्टीन आ जाएगा। थ्री फोर जा ट्वेल्व, ठीक, और उसके बाद थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ठीक है। आप देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, वन सेवन फाइव और फाइव सेवन ट्वेल्व, ये फिर टू से थ्री से डिविजिबल होगा, ठीक है। थ्री फोर जा ट्वेल्व और उसके बाद थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, आप देखिए सेवन का हो जाएगा, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन। आप देखिए इसका पेयर बन गया ना, तो आप इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू एक टू इसमें का लेंगे, एक थ्री इसमें का लेंगे, एक सेवन इसमें का लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो पेयर होता है स्क्वायर रूट, तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स सेवन जा फोर्टी टू। तो आप इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का पहला था, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसी तरह से इसमें के जो बाकी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई वाला हो गया कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर है उसमें सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद अब वो जो नंबर निकाल लेंगे, जो नंबर दिया था उसमें सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 1764, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, इसमें भी फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर कह रहा है, विच इट शुड बी डिवाइडेड, इसमें मल्टीप्लाई करना था, अब इसमें क्या कह रहा है, डिवाइड करने के लिए कह रहा है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें भी एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, सेम काम है, लेकिन इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब उसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर आप प्राप्त करेंगे, जो नंबर आपको मिलेगा, आपको उसका भी स्क्वायर रूट करना है। आप क्वेश्चन नंबर सिक्स का भी एक देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स का एक देख लीजिए, इसमें भी एक पहला नंबर दिया है 252, इसका भी आप वही नंबर देख लीजिए 252, तो 252 का देखिए, तो आप इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया गया है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे किया गया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, तो इसमें भी जो है जो स्मॉलेस्ट नंबर है, अब इसके इससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए इसमें भी इसका पेयर बना, इसका भी पेयर बना, लेकिन सेवन का पेयर नहीं बना है, तो आप जो है इस नंबर को, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें भी हो जाएगा, वही स्मॉलेस्ट नंबर सेवन हो जाएगा। आप जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वो क्या होगा, 252 को आप जो है इससे सेवन से डिवाइड करना है। देखिए जब मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा था तो हम सेवन से मल्टीप्लाई किए थे, बट आप इसमें जो है डिवाइड करने के लिए कह रहा है कि डिवाइड कर दीजिए, तो आप डिवाइड कर दीजिए 252 को सेवन से डिवाइड कर दीजिए, तो सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, फोर आ जाएगा, और यहाँ पे सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, तो जब इसका डिवाइड किए तो कितना आ गया, 36 आ गया। क्या आ गया? 36। अब 36 का जब हम अब नंबर स्क्वायर, आप देखिए वो नंबर मिल गया हमको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो गया, 36। डिवाइड करने पे जो आया वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इसका हमको स्क्वायर रूट भी कह रहा है कि जो नंबर मिला उसका भी स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो आपको टेबल पता ही है, 6 6 जा 36, तो इसका नंबर आ गया 6, तो आंसर हो गया आपका इसका 6 आ गया, और स्मॉलेस्ट नंबर कौन था, 7 था, तो ठीक है। वो नंबर जिससे डिवाइड करना था वो नंबर आपका 7 हो गया, और उसके बाद जो नंबर मिला 36 उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी नंबर आ गया, जैसे ये नंबर है ये आपका 6 हो गया, 7 and 6 7, ये वाला आंसर है और 6 ये वाला आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप इसी तरह से कर लीजिएगा, सेम एक जैसे जैसे क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन आपने 6 का 5 का 1 बताया, इसको भी आप उसी बेस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 6 का भी हमने एक क्वेश्चन बता दिया, इसी बेस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखिएगा, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेट्स 2401 इन ऑल, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड
ईच स्टूडेंट डोनेट्स बाई द ग्रुप इज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसमें भी देखिए जो नंबर दिया है वह एक प्राइम मिनिस्टर फंड का पैसा है, उसको बच्चों में डिवाइड करना है, तो उस पूछ रहा है उस क्लास में कितने बच्चे हैं। तो जो नंबर दिया है आपको क्या करना है, उसका केवल आपका उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, नंबर आप स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। क्या करना है इसमें, ये क्वेश्चन में जो सेवन्थ है इसमें आपको ये जो रुपीज़ दिया गया है 2,401 इसका आप स्क्वायर रूट कर दीजिएगा। स्क्वायर रूट कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आपको पता चल जाएगा उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट में भी यही काम करना है, इसमें भी जो नंबर दिया है प्लांट्स हैं उसको भी प्लांटिंग करना है, तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लांट्स इन ईच रो, तो कितने प्लांट्स ईच रो में होंगे। तो इसमें भी देखिए इसको हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर 2025 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनका पेयर बना लीजिएगा, जितने आएंगे पेयर वाले नंबर उनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने प्लांट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, एक क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है और टेंथ है, इसमें से एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी तरह आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर नाइन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इट्स डिविजिबल बाय द ईच नंबर 4, 9, 8। नंबर क्या दिया गया है 4, 9 एंड 10, ठीक है 4, 9, 10। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका क्या करना है, पहले जो नंबर दिया गया इसका हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10, 4, 9, 10 का एलसीएम कर लीजिए यहाँ पे 4, 9, 10 का एलसीएम कर लीजिए, तो 2, 2 जा 4, 9 नहीं कटा 2, 5 जा 10, फिर 2 से 1 हो गया, उसके बाद 9 एंड 5 नहीं कटे, फिर 3, 3 जा 9, ये 1 को ऐसे उतारते रहेंगे और 5 को भी, तो ये हो जाएगा 3, 1, अब ये 5 हो गया, तो इसका भी कर लेंगे ये 5, 1, 1 एंड 1, ठीक है। तो इसका हो गया LCM, तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 5, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम निकालना ना, तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36, 5 जा 180, 5, 6 जा 30 को 0, 3 कैरी, 5, 3 जा 15, 1, 3 at 180, नंबर आ गया 180, ठीक है। नंबर आपका इसका एलसीएम 180 हो गया, इसका एलसीएम क्या हो गया 180 हो रहा है। तो कह रहा है कि वह फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो इसका स्क्वायर नंबर होगा, देखिए तो इसमें भी 2 का पावर पेयर बना, 3 का पेयर बना लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा देखिए जो इसका एलसीएम आया है, जैसे 180 आया है, इसमें जिसका पेयर नहीं बना है 5 का नहीं पेयर बना है, ठीक है, इसका जो है क्या करेंगे आप, इसका इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 500, 5, 8 जा 40 को 0, 5, 1 जा 5, 5, 1 जा 5, अब 5 और 4, 900, ठीक है। तो 900 द स्मॉलेस्ट नंबर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, टू टू जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36, 36, 5 जा 5, 6 जा 30, 5, 3 जा 50, 180, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसका पेयर नहीं बना है, ठीक है। तो 5, 0, 0, 5, 8 जा 40, 5, 9 जा 6.3,
900 सही है, 900 ये आपका जो नंबर है जो कि एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9th भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10th है, इसको आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा, इसी तरह उसका भी एलसीएम निकालना है। नंबर 8 5920 दिया है, इसका भी एलसीएम निकाल के फिर जिसका पेयर नहीं बनेगा उसके एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो भी नंबर आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।